नमस्कार, 3 बजे की सुर्खियों के साथ मैं हूं अच्युत अभिषेक। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के महत्वपूर्ण खबरों पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत अपनी जड़ों को लेकर है गौरवान्वित। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले एक साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम पर 3,760 करोड़ रुपए खर्च करने का लिया गया निर्णय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विकास के लिए अतिरिक्त 1,164 करोड़ रुपए की स्वीकृत। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी यह जानकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के शीर्ष नेताओं के साथ साथ जिला एवं प्रखंड अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। 11 और 12 सितंबर को पटना में होगी बैठक। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि जल संकट से जूझ रही केरल सरकार बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाने पर कर रही है विचार। गोरखपुर कैंट में यार्ड नवीकरण और तृतीय लाइन बिछाने की वजह से बिहार से होकर जाने वाली 55 ट्रेनें हुई रद्द। 10 अन्य रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच में और तेजी लाने का लिया निर्णय। डेंगू पीड़ितों की संख्या पहुंची 390। आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि मलेशिया में आयोजित डॉक्टर एचपी सिंह मेमोरियल साइंटिफिक सेमिनार में भारत के सैकड़ों चिकित्सक हुए शामिल। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पिछले 3 दिनों में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या की। पुलिस अपराधियों की तलाश में कर रही है छापेमारी। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारियों और ममता कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद से ममता कार्यकर्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। पटना सहित प्रदेश के सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भी धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। पटना के इस्कॉन मंदिर और गौरिया मठ मंदिर में भीड़ देखी जा रही है। छपरा जिले के नैनी गांव स्थित द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। 8 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है मंदिर। वैशाली जिले के पातालेश्वर मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दी गई प्रस्तुति। शहर के कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। मुंगेर जिले में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुरबाड़ी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। बाल कृष्ण का रूप धरकर बच्चों ने बिखेरी छटा। ये थी अब तक की सुर्खियां। नमस्कार।